नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। Dear viewers, today I shall present my views on how to write a good research paper. This content is especially suitable for senior students and research scholars. In new education policy of our Government of India, in the fourth year, bachelor's fourth year program will be based on research. So this is also applicable for the students of fourth year of bachelor program also, to, for research scholars, for PG students, how to write the research analysis, how to analyze the data, how to write a good research paper, what are the important points which should be followed for writing a good research paper. कोई भी रिसर्च पेपर लिखना है या रिसर्च की एनालिसिस लिखनी है तो उसके बारे में किस तरह से हमें लिखना चाहिए, क्या चीज़ किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए, उन सीनियर स्टूडेंट्स के लिए, पीजी के स्टूडेंट्स और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो फोर्थ ईयर में भी रिसर्च प्रोग्राम होगा, उसमें भी यूजफुल होगा और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। टुडे वी शिल डिस्कस हाउ टू राइट अ गुड रिसर्च पेपर। सीनियर स्टूडेंट्स, research scholars, PG students, they require to know how to write an article or a research analysis, or how to convert this analysis of research into a good research paper for publication in a good research journal or internationally or nationally a known research journal of that particular field. नई एजुकेशन पॉलिसी में बैचलर डिग्री का जो फोर्थ ईयर का प्रोग्राम है, बैचलर्स फोर्थ ईयर का जो प्रोग्राम होगा वो रिसर्च डिग्री, रिसर्च के बेसिस पर होगा। उसमें भी हमें आवश्यकता होगी स्टूडेंट्स को जानने के लिए कि कैसे हम डेटा को इंटरप्रिटेशन करेंगे, कैसे उसको लिखेंगे और कैसे उसको रिसर्च पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और पब्लिश करने के लिए किसी अच्छे जर्नल में भेजेंगे, तो वहाँ पर इसकी आवश्यकता है। सो अ गुड रिसर्च पेपर is based on the data or research. Kurt Lewin has said, no research without action, no action without research. And Einstein has said, if you knew what we were doing, it would not be called research, would it? So this is very important. जो चीज़ हमको पता है और हम वही करने जा रहे हैं तो ये रिसर्च नहीं है। रिसर्च मीन्स समथिंग विच हैज नॉट बीन डन, विच इज न्यू इन दैट पर्टिकुलर एरिया, दिस इज द रिसर्च। तो रिसर्च उसे वही कहलाएगी जो हुआ नहीं है। अगर हुआ है उसी चीज पर हम काम करें तो वो रिसर्च नहीं कहलाएगी। तो रिसर्च पेपर में शुरू करने के लिए हमको ये देखना होता है कि हम कितने कैसे हम उसको लिखेंगे। सो हाउ टू राइट द रिसर्च पेपर, तो इसमें सबसे पहली चीज होती है सेलेक्टिंग अ टॉपिक एंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर होता है उसके बाद क्रिएट एन आउटलाइन, देन गेट योर डेटा रेडी, देन ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ड्राफ्ट, देन स्ट्रक्चर ऑफ अ साइंटिफिक पेपर, सेलेक्टिंग अ जर्नल एंड देन सबमिशन ऑफ द रिसर्च पेपर एंड द रिविजन ऑफ द रिसर्च पेपर। दीज आर द सम ऑफ द एस्पेक्ट्स। फर्स्ट थिंग इज सेलेक्टिंग अ टॉपिक एंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहली चीज होती है कि टॉपिक हमें कैसे सेलेक्ट करना है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ऑब्जेक्टिव जो हमारे उद्देश्य हैं उस रिसर्च के करने के और प्रोजेक्ट के, उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे परिभाषित करेंगे, हाउ विल डिफाइन देम। पहली चीज़ तो ये है, वो टॉपिक मैंने अभी हमने बताया था कि चीज़ वो होनी चाहिए जो हमको पता नहीं है।
It may be a data based on a new type of finding, a new type of research, a new type of way which has already been done or done in other way or never has been done. So it must be a new topic. Either it can be a new study, or it can be a competitive study, or it can be a synthesis. So study किसी भी तरह की हो सकती है. Topic जो होगा, नई study होगी बिल्कुल, या नई नहीं है तो competitive study है. कुछ लोगों ने काम किया तो उसको competitive study हम कर रहे हैं, कई लोगों के काम को या पुराने काम को, या उसको हम synthesis कर रहे हैं, या उसको analyze कर रहे हैं कि इसमें क्या दिक्कत थी और क्या इसमें होना चाहिए था, किस तरह से हमें analyze करना चाहिए था. Selection would vary according to the scientific discipline. और ये तो discipline branch है, physics है, chemistry, geology, botany and जो भी ये biotechnology, microbiology, जो भी aspects है हमारे, उसके हिसाब से जो सिलेक्शन है टॉपिक का वो अलग अलग हो सकता है. और दूसरी चीज़, जो पढ़ने वाले हैं यानी जो व्यूवर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो उसको पढ़ेंगे, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट का भी हो सकता है. तो वो जो रीडरशिप है यानी रीडर्स हैं उस जर्नल के, उसको सूट करना चाहिए. ये तो पॉलिसी है आजकल हर जर्नल की, अगर उसकी रीडरशिप को सूट नहीं करेगा तो वो पेपर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा छापने के लिए. नेचर जर्नल निकलता है इंग्लैंड से, उसमें भी यही है कि रीडरशिप हर एक जर्नल्स में जो रीडरशिप को सूट नहीं करेगा तो उसको वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे. दूसरी चीज़, नेक्स्ट है selecting after studying at least two similar researches on the aspect. कम से कम कोई सिमिलर रिसर्च हुई हों तो उनके ऊपर बेसिस करके हम एक नया टॉपिक ले सकते हैं. दूसरी चीज़, जो हम करने जा रहे हैं काम, दे मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, यानी उनके ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली डिफाइंड. ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आउटलाइन हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं आउटलाइन, उसकी जो आउटलाइन है रिसर्च की, उसको हमें वो एक तो उसके पैरामीटर्स पहले पता होना चाहिए कि किन पैरामीटर्स पर हम रिसर्च को अपना बेस करने जा रहे हैं. दूसरा ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव डिफाइन होने चाहिए कि इस रिसर्च में हम करना क्या चाहते हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं. फिर आता है कि गेट योर डेटा रेडी. सब हम कोई डेटा ले रहे हैं, कोई हमने फील्ड की स्टडी लिया, लेबोरेटरी में एनालिसिस किया, कोई रीडिंग्स ली या फील्ड में जाके ऑब्जर्वेशंस लिए, तो ये सब के सब कहलाते हैं ऑब्जर्व डेटा और फाइंडिंग्स. सो इनके ऊपर हमारा सारा रिसर्च बेस्ड होना चाहिए. इसी तरह से हमें सबसे पहले उनके उससे कंसर्निंग फिगर्स, प्लॉट्स, टेबल्स, जो भी चीज़ें हैं वो हमको तैयार रखनी है, उनको जमा करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, या उनको क्रिएट करना पड़ेगा, बनाने पड़ेंगे. चाहे उसको हम ड्रॉ करें, चाहे हम उसका फोटोग्राफ लें, चाहे हम उसका कह सकते हैं कि वो टेबल्स क्रिएट करें, या उसके एनालिसिस करें, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, वो भी डेटा का पार्ट है, डेटा को एनालाइज करते हैं हम. फिर वी ऑर्गेनाइज द डेटा फॉर रिजल्ट्स बाय फॉलोइंग अ लॉजिकल सीक्वेंस. ये लॉजिकल सीक्वेंस में डेटा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ पहले आ जाए और जो बाद में आनी चाहिए थी वो पहले. ऑर्डर उसका ही प्रॉपर होना चाहिए, सिस्टमैटिक ऑर्डर, जो कि रिसर्च के लिए सूटेबल हो. फिर आता है कि हाउ डू वी ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ रिसर्च. सबसे पहली चीज ये है कि सेंट्रल थीम ऑफ द पेपर हैज टू बी मेड, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट शुड बी बेस्ड ऑन आइदर वन और टू इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स. उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स होनी चाहिए जिसके ऊपर हम उसके सेंट्रल थीम को फोकस करें. और रीडरशिप ऑफ द पेपर, मैंने कहा था रीडरशिप जर्नल का जो रीडरशिप है उस पेपर की रीडरशिप सूट करनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. फॉर्मेट, हाँ, दूसरा, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, लिखते हैं, तो वी शुड कीप इन माइंड व्हिच जर्नल वी आर गोइंग टू सबमिट दिस पेपर इन. तो उसके फॉर्मेट को हमें फॉलो करना पड़ेगा कि उसमें क्या फॉर्मेट है, उसके बारे में बाद में आगे डिस्कस करेंगे. इसी तरह से जस्टिफाइड सीक्वेंस होना चाहिए रिजल्ट्स का, कि हमने रिजल्ट्स में जो सीक्वेंस दिया है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक होना चाहिए और हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी होना चाहिए और जो हमने थीम डिसाइड किया उसके हिसाब से होना चाहिए. सीक्वेंस शुड बी प्रॉपर. किसी भी रिसर्च पेपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे पहले होता है टाइटल, रिसर्च पेपर का टाइटल. उसके बाद होता है उसका एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट को हम समरी भी कह सकते हैं, कुछ जर्नल्स में उसको समरी भी कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट की जगह. देन इंट्रोडक्शन, देन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, कंक्लूजन्स, एक्नॉलेजमेंट्स, रेफरेंसेज एंड सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन. कभी कभी कुछ कभी जो होता है कि उसमें हम वी सप्लीमेंट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन और सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, जिसके बेसिस पर हमने किया तो वो इन्फॉर्मेशन भी अलग से उसमें लगाई जाती है. अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, टाइटल. किसी भी रिसर्च पेपर का टाइटल वो बहुत सिंपल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए. दूसरा, वो जो इन्वेस्टिगेशन यानी जो हमने स्टडी की है, जो हमने रिसर्च की है, उसको रिफ्लेक्ट करे वो, बिल्कुल एकदम रिफ्लेक्ट, जो टाइटल है एकदम पता लग जाए क्या चीज़ इस पेपर के अंदर आप लिखने जा रहे हैं. अट्रैक्टिव हो, सिंपल हो, मतलब लगे कि कुछ इसमें हुआ है.
कभी कभी क्या होता है, दूसरा चीज शॉर्ट भी होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं, और इन्फॉर्मेटिव, यानी उसके अंदर सारी चीज आ जाए कि वो क्या चीज हम कहना चाह रहे हैं टाइटल में। टाइटल एक या दो लाइन से ज्यादा नहीं होता नॉर्मली। दूसरी चीज कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे स्टडी, नॉवेल, इनको अवॉइड करते हैं इस तरह के वर्ड्स को। जैसे हमने लिखा स्टडी ऑन प्लांट कम्युनिटीज ऑफ राजाजी नेशनल पार्क, तो स्टडी ऑन, स्टडी तो ऑलरेडी है ये, इट इज ऑलरेडी अ स्टडी, सो व्हाई टू राइट अ स्टडी ऑन इन द टेबल, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली हम लिखेंगे उसको प्लांट कम्युनिटीज ऑफ राजाजी नेशनल पार्क, दिस इज ऑलरेडी अ स्टडी, सो टाइटल में स्टडी ऑन जोड़ेंगे या स्टडी ऑन जोड़ेंगे तो वो सुपरफिशियल लगेगा, सुपर प्लस लगेगा, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, वो अच्छा टाइटल नहीं कहलाएगा। फिर आता इंट्रोडक्शन, समरी में हमने टाइटल में हमने सब चीज दे दी, उसकी समरी दी, इंट्रोडक्शन में आता है कि उस वर्क का बैकग्राउंड क्या है, हाउ वी डिस्कस द जनरल बैकग्राउंड ऑफ दैट वर्क, यानी वो वर्क होता क्या है एक्चुअली, किस उस टॉपिक का मतलब क्या है और इस रिसर्च का क्या मतलब है और एक किस तरह से इसके बारे में लोग बोलते हैं या लोगों ने डिफाइन किया है इस तरह के टॉपिक्स को। फिर इसमें कुछ पैराग्राफ्स हमें इसमें लिखने पड़ेंगे, कुछ पैराग्राफ्स जो प्रीवियस वर्कर्स का जो एनालिसिस है या वर्क है उसको भी हम साइट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में साइट करते हैं हम उसको, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसको हम कह देते हैं वो भी साइट किया जाता है। फिर इसके बाद लास्ट पार्ट होता है, लास्ट पार्ट इसमें होता है ऑब्जेक्टिव, तो तीन पार्ट इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन के, बैकग्राउंड बताना कुछ शुरू के पैराग्राफ्स में, कुछ पैराग्राफ्स में हम बताएंगे कि इस फील्ड में, इससे रिलेटेड एरिया में कौन कौन से लोगों ने काम किया और कहाँ काम किया, उनके ईयर भी साथ में लिखेंगे, उनको फिर रेफरेंसेज में पीछे हम साइट करेंगे। देन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है कि उसको हम किस तरह से करेंगे और रिव्यू ऑफ लिटरेचर को देखते हुए हम उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स भी हम उसके डिफाइन करेंगे और जो हमने पॉइंट आउट की हैं चीजें उसमें ऊपर, उनके बेसिस पर हम मेन ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे लास्ट में। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा लिमिटेड होना चाहिए, यानी कि हमने पांच ऑब्जेक्टिव लिए, पांच ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इट मींस वी आर नॉट कंसर्न, वी आर नॉट स्पेसिफाइंग आवर रिसर्च टू अ फ्यू टॉपिक्स। सो ये रिसर्च पेपर का जैसे पहला पेज है, इसमें टाइटल है, फिर ऑथर का नाम है, ऑथर्स के नाम है, उसके बाद उनके एड्रेसेज हैं, ईमेल एड्रेस है, अरे एब्स्ट्रैक्ट वाला सेक्शन आ गया तो उसमें हमने पूरी स्टडी दे दिया उसमें। फिर कीवर्ड्स आते हैं रिसर्च में, कीवर्ड्स भी एब्स्ट्रैक्ट के ही साथ होता है, कीवर्ड्स का मतलब जिसके हिसाब से हम उनको डिफाइन करेंगे, उस पूरे रिसर्च को डिफाइन करने के कहां कहां वो ऐड होना है, उन टॉपिक्स में आता है वो। फिर इंट्रोडक्शन शुरू होगा, इंट्रोडक्शन में उसके बारे में बताएंगे, फिर कुछ पैराग्राफ जो होते हैं उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर के होते हैं, इस तरह से हम इसको करते हैं। फिर उसके बाद आता है साइंटिफिक डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऑफ द पेपर, इसको हम मटेरियल्स एंड मेथड्स या मेथड्स भी लिख देते हैं कभी कभी, कुछ जर्नल्स इसको मटेरियल्स एंड मेथड्स लिखते हैं, कुछ लिखते हैं मेथड्स, कुछ लिखते हैं मेथड्स फॉलोड। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कि आपने जो एनालिसिस डेटा एनालिसिस किया है या डेटा कलेक्ट किया है और उसके एनालिसिस बाद में किया है, उसका हम किस तरह से उसको एनालाइज करेंगे, जो उसको मटेरियल्स एंड मेथड्स या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहते हैं। तो इसमें बताते हैं कि सैम्पलिंग हमने कैसे की, हाउ डिड वी मेक द सैम्पलिंग एंड हाउ डिड वी गो फॉर एनालिटिकल मेथड्स, ये बहुत क्लियरली दिस शुड बी मैंशनड। तो मैथड्स ऑफ सैम्पलिंग, एनालिटिकल मैथड, दिस शुड बी क्लियरली डिफाइंड। और डेटा एनालिसिस जो बाद में होता है मैथड्स के बाद, डेटा एनालिसिस जो डेटा हमने लिया उसको हम स्टेटिस्टिकली एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं उसका और उस रिजल्ट्स का और उस डेटा का, यानी उसके लिए हम कोई भी टेस्ट यूज कर सकते हैं, कोई कोफिशियंट निकाल सकते हैं, रिग्रेशन कोफिशियंट या कोफिशियंट ऑफ सिमिलरिटी कोफिशियंट या टी टेस्ट या कोई भी और टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, कोई भी टेस्ट जो सूटेबल है उसके लिए उसको हम यूज करते हैं। फिर आता है कि रिसर्च जो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, अगला एस्पेक्ट है उसका, रिजल्ट्स के बाद हम उसमें सॉरी मेथड्स के बाद हम लिखेंगे रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। अब रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो थिंग्स मस्ट बी इन ऑर्डर, उसका ऑर्डर बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए और ये सेपरेट हेड्स में लिखना चाहिए कि रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, सपोज आपने तीन ऑब्जेक्टिव हमने दिए हैं, सो वी हैव टू कीप दीज थ्री ऑब्जेक्टिव्स वन बाई वन। अगर हेडिंग्स उसमें स्मॉल हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज अलग अलग पैराग्राफ्स हम उनको डिफाइन करेंगे डिफरेंट हेड्स में, हेडिंग्स देना वैसे आवश्यक है उसमें, थोड़ा सा सब हेड से हेड्स देना आवश्यक है, और फिर हम उसको क्लियरिटी से हम रिजल्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे उन हेड वाइज, और रिजल्ट्स को फिर बाद में जिसको डिस्कशन हम कहते हैं, डिस्कशन का मतलब है जो रिजल्ट्स आपके उस टॉपिक के रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको हम पिछले रिजल्ट्स, कुछ लोगों ने अगर उसी तरह का काम किया तो उनसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उनके साथ कि फला आदमी ने इंग्लैंड में या हिमालय में या साउथ
अमेरिका में ये काम किया या फला लेबोरेटरी में काम किया, तो उसमें उन्होंने इस तरह के रिजल्ट्स पाए. सो दे आर टू बी डिस्कस योर रिजल्ट्स आर टू बी डिस्कस विद द प्रीवियस रिजल्ट्स. और दूसरी चीज, हर एक इंटरप्रिटेशन को जो है पूरा का पूरा साइट करने की आवश्यकता नहीं है. एवरी इंटरप्रिटेशन विद प्रीवियस रिजल्ट्स. हमारा हमेशा जो आपका रिजल्ट्स आ रहे हैं, जरूरी नहीं हर एक को आप पिछले रिजल्ट्स से जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपने डिस्कस किया वो उसके साथ हम कंपेयर करें. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रिजल्ट्स का होता है उसके अंदर ग्राफिक्स होने जरूरी है. ग्राफिक्स में फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ्स, मॉडल्स हो सकते हैं इस सेक्शन में, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में. और जिस भी सेक्शन में ये जरूरत होगी, जिनकी रेलिवेंट होगा, वेयर एवर दे आर रेलिवेंट, दे आर टू बी गिवन इन दैट पर्टिकुलर पार्ट. उसके बाद आता है इसमें साइंटिफिक पेपर में कंक्लूजन्स आता है रिजल्ट्स एंड डिसीजन के बाद. जैसे हमने समरी लिखा, समरी के बाद आता है कंक्लूजन. कंक्लूजन में और समरी में डिफरेंस ये है, बिकॉज समरी द एब्स्ट्रैक्ट गिव्स ओनली द समरी ऑफ द फाइंडिंग्स. क्या उसमें इंटरप्रिटेशन, हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको हमने कैसे एनालाइज किया. कंक्लूजन्स में ये आता है कि हमने जो काम किया शॉर्ट में उसको लिखेंगे जरूर, लेकिन कोई अगर उसमें सपोज देयर इज सम स्कोप ऑफ फर्दर रिसर्च, या इसमें क्या चीज़ और होनी चाहिए, क्या चीज़ में और स्टडी किया जा सकता है, उसको भी हम कंक्लूजन्स में लिखते हैं. तो मेजर फाइंडिंग्स को हम कंक्लूजन में जरूर लिखते हैं और डिस्कशन के साथ. और एब्स्ट्रैक्ट कॉपी नहीं करते. कंक्लूजन हमेशा एब्स्ट्रैक्ट ही कॉपी नहीं होती है, बल्कि मेजर फाइंडिंग्स को हम डिस्कस करते हैं. और कभी भी इसमें ऐसा नहीं लिखते इन कंक्लूजन्स में दैट वी हैव स्टडीड दिस थिंग, वी हैव इन्वेस्टिगेट दिस थिंग. सिंपली वी कैन से दैट वी हैव डन दिस काइंड ऑफ फाइंडिंग, दिस एनालिसिस ऑफ दिस रिवील्ड दिस काइंड ऑफ दिस काइंड of results and they are statistically significant कह सकते हैं अगर वो हैं इस तरह से. फिर लास्ट में हम लेते हैं इसमें कि acknowledgements हम लिखते हैं इसमें. acknowledgements का मतलब होता है अगर आपका प्रोजेक्ट किसी एजेंसी से फंडेड है और उसके अंदर आपने रिसर्च पेपर बनाया उसके अंतर्गत, सो यू हैव ऑल यू मस्ट एक्नोलेज द फंडिंग एजेंसी लाइक यूकॉस्ट, यूसर्क, डीएसटी और एनी अदर एजेंसी दैट हैज टू बी साइटेड. वहां के एक्नोलेज जरूर करेंगे. और दूसरा, जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट में या लेबोरेटरी में आप काम कर रहे हैं, इसलिए उसको भी एक्नोलेज करेंगे, उस सेंटर को, उस डिपार्टमेंट के, उस इंस्टीट्यूशन का, या जो कलीग्स और टेक्नीशियंस ने आपने हेल्प किया उसको भी कहते हैं. यानी कि इसमें बहुत लंबा लिखें, इट हैज टू बी रिटन इन शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट एजेंसी and persons may be quoted, may be acknowledged in that part. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेफरेंसेज. इसमें बहुत लोग गलतियां करते हैं. होता क्या है कि कई लोग इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में और रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में, जहां डिस्कशन का पार्ट है बेसिकली, जिसमें प्रीवियस रिजल्ट से वी आर कंपेयरिंग योर रिसर्च फाइंडिंग्स, सो उन सबके सबको पीछे रेफरेंसेज में साइट किया जाता है. रेफरेंस साइट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. हर जर्नल का अपना पैटर्न है कि कौन सा पैटर्न फॉलो करता है. नंबरिंग वाला पैटर्न है, या ऑथर वाला ऑथर का सरनेम वाला पैटर्न है, या कोई और पैटर्न, या सिंपली जो जैसे ऑर्डर में मैथमेटिक्स फिजिक्स में जैसे होते हैं उसमें ऑर्डर से लेते हैं 1 2 3 4 करके, उनको फिर वो अल्फाबेटिकल अरेंज नहीं करते रेफरेंसेस को. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेफरेंस हमेशा जो है उस जर्नल के फॉर्मेट के हिसाब से देने पड़ेंगे. वहां पर कहां पर ईयर लिखा जाए, कहां पर उसका सरनेम क्या और कहां पर उसके इनिशियल लिखे जाएंगे, जर्नल को कैसे साइट करना है वो भी लिखा जाए. रेफरेंस कंप्लीट होना चाहिए. नहीं, रेफरेंस का मतलब ऑथर का नाम, उसका ईयर और उस पेपर का टाइटल या उस बुक का टाइटल. बुक है तो उसका ऑथर या उसका एडिटर वो जरूर होगा उसमें. उसके बाद बुक के केस में हम बुक या प्रोसीडिंग के केस में उसका वो भी लिखेंगे. उस केस में वी विल हैव टू इंक्लूड द नेम ऑफ द पब्लिशर आल्सो. लेकिन पेपर से केस में हम जर्नल का नाम लिखेंगे, उसका वॉल्यूम नंबर लिखेंगे और वॉल्यूम नंबर के बाद पेज नंबर लिखेंगे और ईयर तो उसका आएगा ही. और जो रेफरेंसेज रेलिवेंट नहीं है रिसर्च के लिए कभी भी उनको साइट नहीं किया जाना चाहिए. और रेफरेंसेज में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑलवेज चेक इट, फर्दर गो ऑन चेकिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट. हाउ वे कहीं हमने ऐसा तो नहीं कोई रेफरेंस उसमें दिया है टेक्स्ट में और उसको पीछे मिस कर दिया, या ऐसा रेफरेंस डाल दिया जो हमने पूरे पेपर में कहीं लिखा ही नहीं और पीछे रेफरेंस की लिस्ट में दे दिया. ये बहुत मिस्टेक्स होती है. व्हेन वी रिव्यू द पेपर्स दिस मिस्टेक्स आर वेरी कॉमन. रेफरेंसेज आइदर रेफरेंसेज आर मिसिंग व्हिच आर गिवन और साइटेड इन द टेक्स्ट, दे आर मिसिंग, और the references are there which are not cited in the text of the paper, तो वो भी बेकार कहलाते हैं. और देन सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन हर पेपर में आवश्यकता नहीं होती है इसकी. एडिशनल डेटा अगर आपके पास कोई ब्लैंक एक्सपेरिमेंट है, जैसे कोई एनालिसिस वगैरह हो रही है कहीं पर, केमिकल एनालिसिस है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ब्लैंक एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो उनके बारे में वो डेटा आप उसमें दे सकते हैं.
तो पेपर जब हम छापते हैं, ये हमने पूरा पेपर जैसे बना लिया, तो रीडरशिप ऑफ जर्नल चूंकि वेरी करती है, उसका डेटा वेरी करता है, बायोलॉजी जर्नल है, इकोलॉजी जर्नल है, वो टॉपिक के हिसाब से भी हमारा रीडरशिप जो है वो वेरी करती है। तो सबसे पहले हमको फॉर्मेट, पेपर का फॉर्मेट देखना पड़ेगा, उस जर्नल में कैसा रेफरेंसेज का और पेपर लिखने का फॉर्मेट क्या है, सेक्शंस का फॉर्मेट क्या है, वो भी चेंज हो सकता है। जैसे हमने कहा कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, उसमें मटेरियल्स एंड मेथड्स लिखा है या सिंपली मेथड्स लिखा है, वही चीज हमें लिखना पड़ेगा। तो दूसरी चीज, नेचुरली जर्नल में वैसा सेलेक्ट करना चाहिए, उस फील्ड से रिलेटेड जर्नल हो तो ज्यादा अच्छा है। ब्रॉड एरिया में सपोज हमने कहा साइंस का जर्नल है, अब बायोलॉजी का जर्नल है, तो बायोलॉजी में बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, साइंस का जर्नल है तो हमने कहा उसमें बहुत सारे डिफरेंट एरियाज हैं। तो कोशिश ये करें, हमें ये करनी चाहिए कि वो स्पेसिफिक एरिया में दैट जर्नल शुड बी सेलेक्टेड, व्हिच जर्नल का सिलेक्शन ये डिपेंड होना चाहिए कि अगर वो जर्नल का सर्कुलेशन कैसा है, उसका इम्पैक्ट कैसा है उस जर्नल का, उसका इम्पैक्ट फैक्टर कैसा है उस जर्नल का, उसके हिसाब से करना चाहिए। लेकिन नेचुरली अगर हाई इम्पैक्ट जर्नल में आप पेपर भेजेंगे तो पेपर शुड बी ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। जो आपने फाइनल ड्राफ्ट बनाया पेपर का, दैट हैज टू बी रेड केयरफुल्ली, उसको कम से कम 2-3 बार पढ़ें और रेफरेंसेज को पूरा चेक करें, उसका ऑर्डर चेक करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेथड्स पूरे चेक करें कि मेथड्स रेलिवेंट मेथड्स आपने यूज किए हैं तो वो चेक करने हैं कि वो ढंग से लिखें कि नहीं लिखें। अगर पॉसिबल हो तो जो कलीग्स आपके हैं या एक्सपर्ट्स आपके हैं तो उनको सबमिशन से पहले यू कैन गो फॉर देयर व्यूज, यू क्रिटिकल एग्जामिनेशन उनसे करा सकते हैं। फिर पेपर को जनरली आजकल जो है ऑनलाइन सबमिशन का मेथड है पेपर्स का। और जर्नल, एक चीज़ का ध्यान जरूर हमें रखना है, इसमें हमेशा रखना है, कभी भी एक पेपर को आप एक से ज़्यादा जर्नल्स में एक साथ नहीं भेज सकते, क्योंकि ये एक पेपर को आप एक ही जगह भेजेंगे, अगर किसी वजह से वहाँ से रिजेक्ट होता नहीं होता तब आप दूसरे जर्नल में उसको भेज सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली अगर दो जगह छप गया तो कॉपीराइट एक्ट में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा दो जगह आप भेजने से। और इसी तरह से परफेक्ट कंपोजिशन होने, ग्रामेटिकल एरर्स, ये बहुत प्रॉब्लम आती है हमको, पर्टिकुलरली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहाँ स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स दे आर नॉट फ्लुएंट विद द इंग्लिश कंपोजिशन। सो कोर्स इसमें करना ये चाहिए हमको, पेपर हमने लिखा तो उसको किसी ऐसे आदमी से जिसकी कंपोजिशन अच्छी हो इंग्लिश कंपोजिशन, तो उससे ज़रा उसको करेक्शन करा दें या उसको सही करा दें या चेक करा दें, और तब वो उसकी ये, क्योंकि कंपोजिशन कई जर्नल्स में कमेंट आते हैं अदरवाइज कि कंपोजिशन आपका बहुत ख़राब है। पेपर आपने भेजा, उसके बाद जनरली होता क्या है, इट इज सेंट टू द रिव्यूअर्स बाय द जर्नल, रिव्यूअर्स गिव देयर ओपिनियन, टू और थ्री रिव्यूअर्स आर यूजुअली देयर, सो दे गिव देयर ओपिनियन कि इसमें ये, या तो कह देंगे कि एक्सेप्ट किया जाता है एसस, या वो कहेंगे एक्सेप्ट किया जाता है विद मेजर मॉडिफिकेशंस, या रिव्यूअर्स कह सकते हैं एक्सेप्ट किया जा सकता है विद माइनर मॉडिफिकेशंस, वो वापस आता है फिर उसके बाद रिविजन करने के लिए। तो कमेंट्स उसमें आते हैं, द कमेंट्स आर सेंट बाय द रिव्यूअर्स डायरेक्टली टू द ऑथर, उसमें नाम नहीं जाता रिव्यूअर्स का, सीधे उनके जाता है, वो अपने पेपर को फिर रिवाइज करते हैं। सो पेपर इज रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कमेंट्स और सजेशंस गिवन बाय द रिव्यूअर्स और एडिटर ऑफ द जर्नल। फिर उसको करेक्शन करने के बाद या एडिशन करने के बाद या डिलीशन करने के बाद या मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको आप दोबारा सबमिट करेंगे उस जर्नल को। अगर उनको फिर वो पसंद आ गया या उनको लगा कि अब ठीक हो गया पेपर एक्सेप्ट हो गया, तो उस केस में वो आपको एक्सेप्ट करेंगे और छप जाएगा। अगर पेपर किसी वजह से सूटेबल नहीं है, किसी वजह से रिजेक्ट हो गया है, तो उसको आप किसी जनरल में, उसके जनरल में उसको आप सबमिट कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट आजकल आता है कि साइटेशन इंडेक्सेस एंड डेटाबेसेस, कोई भी पेपर अगर आप छापते हैं उसका साइटेशन बाद में एक साल दो साल के अंदर या आने वाले समय में कितने लोगों ने उसको साइट किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जर्नल के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके वर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है। साइटेशन इंडेक्सेज हम कहते हैं, साइटेशन इंडेक्सेज होते हैं जैसे साइंस साइटेशन इंडेक्स है, बुक साइटेशन इंडेक्स है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग साइटेशन इंडेक्स हैं, SCI, BKCI, CPCI ये कहलाते हैं। और साइटेशन के डेटाबेसेज बहुत सारे हैं जहाँ पर आप अपना रिसर्च को चेक कर सकते हैं कि मेरा साइटेशन इंडेक्स कितना है। सो गूगल स्कॉलर में होता है, स्कोपस साइटेशन इंडेक्स में होता है, स्कोपस कह देते हैं हम लोग उसको, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक, इसमें भी आप साइटेशन डेटाबेसेज अवेलेबल होते हैं, साइट CRX है और क्रूस रेफरेंस है, रेफ है, क्रूस रेफ, और रिसर्च गेट एक इंपॉर्टेंट ये भी एक डेटाबेस है रिसर्च गेट, इसमें इंडिविजुअल्स के पेपर्स और उनके रिसर्च होते हैं, और वेब ऑफ साइंस। सो दीज आर सम ऑफ द डेटाबेसेस वेयर यू कैन गो फॉर इट। तो लास्ट में कहने का मतलब ये है कि जो पेपर लिखेंगे आप उसमें सारे पैरामीटर्स आपको देखने हैं और केयरफुल्ली चेक करने हैं, सिक्वेंसिंग प्रॉपर होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर सबमिटिंग द पेपर। सो अगर इफ देयर आर सम मिस्टेक्स और सम शॉर्टकमिंग्स, नेचुरली योर पेपर विल बी आइदर रिजेक्टेड
or it will be sent for major modifications. So to avoid such things, you should make the sequence proper, title and introduction, or the discussion part at results ka, that should be discussed clearly, and conclusions should be defined very well, and references should be very correct and proper, and complete references should be there, and you should follow the rules of the concerned journal where you are going to submit. Thank you.